अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ तमाम भाई दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा भाइयों, आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि कुछ दिनों पहले पिछले महीने मेरे साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। मेरे पैसे कुछ कट गए थे अकाउंट से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आ गए। तो उसके बारे में आपको मैं पूरी डिटेल से बताता हूँ कि कैसे वापस आए, क्या प्रोसेस होता है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे वापस। अच्छा भैया, सीन कुछ ऐसा हुआ था कि लास्ट मंथ मुझे मोबाइल पे कुछ वन टाइम पासवर्ड OTP जिसको कहते हैं वो रिसीव हुए थे, और मेरे तकरीबन 8-10 OTP थे रिसीव हुए। कोई 1300 की ट्रांजैक्शन थी, कोई 700 की, कोई 200 की, कोई 100 की, ऐसे कोई ट्रांजैक्शन हुई। मैंने वो OTP किसी को शेयर नहीं किए, उसके बावजूद भी सारे पैसे कट गए थे मेरे अकाउंट से तकरीबन 1800 दिरहम। तो मैंने वो आपको बताया था, सारी पिछली वीडियो में सब कुछ बताया था। चलें फिर थोड़ा सा बता देता हूँ, और मैं पिछली वीडियो का जो लिंक है ना वो भी मैं शेयर कर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, और शॉर्ट इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि मुझे कुछ OTP जब रिसीव हुए तो मैं तो उस टाइम खैर परेशान हो गया, लेकिन थोड़ा दिमाग काम किया, मैं ऐप ओपन की तो पैसे जब गए चले सारे उस टाइम कट दो गए, लेकिन मैंने ऐप को ब्लॉक कर दिया था, ऐप के थ्रू जो है ना अकाउंट ब्लॉक कर दिया। और मेरे पास जो अकाउंट है उसका एक व्हाट्सएप नंबर भी है बैंक का, आपको कोई भी मालूमात कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो आपको कॉल करेंगे, फिर आप उनको रजिस्टर कर दें। मैंने उसी टाइम उनको मैसेज डाल दिया कि मुझे मेरे फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई है तो मुझे कॉल बैक करें। खैर उस टाइम तो उन्होंने मुझे नहीं की, अगले दिन जब उन्हें कॉल की तो मैं उनको सारी डिटेल बताई। उन्होंने कहा कि आपका ऐसे इतने पैसे की हुई है ट्रांजैक्शन एप्पल स्टोर से, कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है। मैंने कहा मैं तो की नहीं है, मुझे OTP रिसीव हुए हैं लेकिन मैं ना शेयर किसी के साथ किए हैं ना मैंने खुद किए हैं। तो उन्होंने मुझे उन्होंने मुझसे सारी डिटेल ली कि ये वाली ट्रांजैक्शन आपने की तकरीबन एक महीने की ऑनलाइन जितनी भी मैंने की हुई थी। तो मैंने कहा हाँ की हैं नहीं की हैं, जितनी मैंने की थी मैं बताया कि ये की हैं, जो नहीं की थी मैंने बताया ये नहीं की, जो नहीं की उन्होंने मुझे पूरी तकरीबन एक मेल की, उसमें पूरी लिस्ट थी कि ये वाली आपने नहीं की, इसका हम आपके केस ओपन करेंगे। तो तकरीबन 45 से 120 तकरीबन 1.5 महीने से 3 महीने के अंदर अंदर आपको अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं की और अगर आपके हक में फैसला आता है और तो फिर आपको ये पैसे वापस हो जाएंगे, और हम आपको एक न्यू ATM जो है ना इशू करेंगे, पुराने वाला ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो उसका जो है ना हाई को एक कर लिया था किसी ने उसका नंबर या क्या हुआ मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ऑनलाइन में करता रहता हूँ ये शॉपिंग, लेकिन OTP और CVV एक नंबर होता है सिक्योरिटी कोड वो उसमें मैं तो सेव नहीं किया, लेकिन क्या पता कैसे हो गया कोई समझ नहीं आया उसमें। तो खैर उन्होंने कहा कि हम आपको नया ATM सेंड करेंगे, भेज देंगे, आप अपनी तरफ से रिक्वेस्ट नहीं करें ATM न्यू के लिए, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके चार्जेस अप्लाई होंगे तकरीबन 40 से 45 दिरहम लगते हैं, तो आप नहीं करें, हम खुद अपनी तरफ से उधर से भेजेंगे, क्योंकि वो कार्ड आपकी तरफ से ना गुम हुआ है ना चोरी हुआ है ना कोई आपने कुछ हुआ है ना टूटा है कोई डैमेज हुआ है, तो हम नया कार्ड भेजेंगे। खैर उन्होंने कह दिया, तो मुझे कंप्लेंट नंबर उन्होंने इशू कर दिया बाय मेल कि आपने अगर अपना स्टेटस चेक करना है जो आपने कंप्लेंट की है तो ये नंबर दे के आप चेक कर सकते हैं। तो खैर मैं जब भी उनको कॉल करूँ कि मेरा कहाँ तक पहुँचा, वो बोलते हैं आपको किसने मेल की थी, मैंने कहा इस आदमी ने, बोलते हैं वही आदमी डील करेगा, वो फ्रॉड से रिलेटेड जितने भी जो है ना केस होते हैं वो हमारा लक डिपार्टमेंट है वो करते हैं। तो खैर मैं जब भी बोलूँ उनको कॉल करो तो बोलते हैं अच्छा मैं आपकी कॉल जो है ना रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो आपको कॉल बैक कर लेगा। खैर उनको जब भी मैं कॉल करता था बाय व्हाट्सएप या मेल या उनको कॉल का उनका भी नंबर है कस्टमर सर्विस का, जब भी उनको कॉल करोगे अच्छा मेरा ATM का, कुछ 6 से 7 दफा मैंने कॉल की उनको कि मेरा ATM कहाँ पहुँचा, क्योंकि पहले जब उस आदमी ने कॉल की थी वो कह रहा था कि आपको 4 से 5 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, यानी मैक्सिमम 7 दिन के अंदर, 2 दिन इधर डे ऑफ होता है तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा कार्ड। साथ के साथ में 10-12 दिन के बाद रब्ता किया तो जिस आदमी को कॉल करो वही कहता है कि यार आपका तो कुछ भी नहीं है, आपको रजिस्टर नहीं है इधर भी, आप अपनी तरफ से अप्लाई करें ATM तो हम आपको भेजेंगे, आपका कुछ भी इधर अप्लाई नहीं हुआ, हमारे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई आपकी। मैंने कहा आप जिस भाई से मेरे बात हुई थी वो तो कह रहे थे कि आप अप्लाई नहीं करो, आप अप्लाई करोगे तो आपके चार्जेस आएंगे तो हम आपको इधर से भेजेंगे, तो ये क्या ड्रामा है।
वो बोलते हैं अच्छा अच्छा हम चेक करते हैं, लेकिन मैं उस 3-4 बार उसको मेल किया जिसने मुझे किया था, कंप्लाइन नंबर इशू किया उसको मेल करके। मैं एक बार सी सी किया एक आदमी को जो उनका हेड ऑफिस था, उसके साथ मेल अटैच की, तो उसी दिन मुझे रिप्लाई आया कि हम आपको रिप्लाई भी आया और कॉल भी आई कि हम आपका माजरत के साथ कि हमने आपको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी लेकिन कोई नहीं हो सका, आज 10 दिन 12 दिन गुजर गए हैं 15 दिन, तो अभी आप हम नया कार्ड इशू करते हैं आपको, तो अब आपको मेल भी रिसीव हो जाएगी, 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको नया कार्ड मिल जाएगा। वो जैसे ही मुझे मेल रिसीव हुई है और साथ में मुझे उधर हेड ऑफिस से भी एक मेल आ गई है कि हम आपके और रिक्वेस्ट आई है न्यू एटीएम के लिए, वो 4 से 5 दिन के आपको वर्किंग डे के अंदर अंदर आपकी कंपनी को मिल जाएंगे, कंपनी के थ्रू आप कांटेक्ट करके आप ले लें। कंपनी के साथ मैंने तकरीबन 7-8 दिन बाद रब्ता किया क्योंकि वीकेंड भी इसमें आते हैं, एक दो तीन 2 दिन का वीकेंड है इधर, तो वो बोलते हैं आपका कार्ड आ गया है, तो मैंने कहा चलो शुक्र है, एक तो प्रोसेस की तरफ पहुंचा, एक तो कार्ड तो आ गया है अभी। फिर उसके बाद मैं उनको डेली मेल करता रहा कि मेरा प्रोसेस किधर पहुंचा है, जब भी मेल करूं वही ये बोलें कि आपका 45 डेज के अंदर अंदर मिनिमम जो है ना 45 दिन लगेंगे और मैक्सिमम 120 दिन लगेंगे, इसके अंदर अंदर आपको पैसे वापस हो जाएंगे या जो भी फैसला हुआ आपको पता लग जाएगा, अगर आपने ट्रांजेक्शन नहीं की तो पैसे वापस आएंगे। तो खैर मैं एक दिन उनका रिप्लाई आया एक मेल की, फिर उनके मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता जिस भाई ने मेल की थी, कि अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं की तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर आएगी, यानी 15 तारीख 16 तारीख को मेरे पैसे कटे थे और नेक्स्ट 16 के अंदर अंदर अगर जिस ट्रांजैक्शन हुई उस बैंक ने उसको मुझे याद नहीं उसने क्या लिखा हुआ था कि अगर उन्होंने कोई ऐसा रिक्वेस्ट नहीं की कि पैसे इधर से डिडक्ट हो के उधर ट्रांसफ़र हो तो हम आपको वापस कर देंगे, क्योंकि ये जब तो इसको 2 दिन लगते हैं ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में, क्योंकि ये जब इधर से पैसे डिडक्ट होते हैं जो भी आदमी ट्रांजैक्शन करता है तो ये 2 दिन ओल्ड में चली जाती हैं, उसके बाद वो मास्टर कार्ड या जो भी उसकी कंफर्मेशन के बाद जो है ना आगे ये ट्रांसफ़र होते हैं जिधर जो भी सेलर होता है या कोई भी होता है उसके पास जो है ना पैसे फिर जाते हैं। तो मेरे तो ओल्ड में चले गए थे क्योंकि मैं उसी टाइम 1 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट रजिस्टर कर दी थी। आपको अगर खुदा खास्ता कभी भी ऐसा हो तो आप ट्राई करें जल्द से जल्द इसको अकाउंट को ब्लॉक करें और बैंक को कह के एक कंप्लेंट रजिस्टर करें, दो मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि आप लेट करेंगे अगर पैसे आपके डिडक्ट हो गए स्टेटमेंट में शो हो गए तो फिर बहुत मुश्किल इसका लंबा प्रोसेस हो जाता है। मेरे तो 2 दिन के अंदर अंदर उसी अगले दिन ही मैं कर दिए थे, तो इस वजह से जो है ना होल्ड में चले गए और प्रोसेस इसमें तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर, वो कह रहे थे कि अगर 16 फरवरी तक उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की तो डिडक्ट नहीं किए हमें पैसे भेजने के लिए तो हम आप ये पैसे वापस कर देंगे। तकरीबन 16 तारीख को मेरे पैसे जो है ना मुझे कॉल आई कि ये आपने कौन सी ट्रांजेक्शन की है, मुझे ऐसे से पता कर रहे हैं। मैं सोचा कि ये हो सकता है ये फिर से नया प्रोसेस स्टार्ट होने लगा है, मैं उसको बताया ये मैंने की है ये नहीं की है ये हुआ ये नहीं हुआ सारी जो है ना ट्रांजेक्शन हुई है। तो जब उसने ज़्यादा पता किया मैंने कहा यार इतना तो मुझे नहीं पता, 2 महीने का आप मुझे पहले के बता रहे हो कि आपकी ये इतनी सैलरी आई है, इतने विदड्रा किए हैं, इतने इधर ट्रांसफ़र किए, इधर ये किया, मैंने कहा इतना तो मुझे नहीं पता। कहता है अच्छा मैं स्टेटमेंट भेजता हूँ तो आपके पैसे वापस आ गए, मैंने कहा वापस आ गए सारे, बोलता है आप चेक करो अगर फिर भी कुछ नहीं आए तो हमें मेल करो रिप्लाई करो उसका तो हमें फिर आपको बताते हैं। तो जब मैंने पूरी वो स्टेटमेंट उन्होंने तकरीबन 3 महीने की मुझे भेजी वो मैं सारे देखे, उस स्टेटमेंट में वो पैसे कहीं भी शो नहीं हुए। मैं 3 महीने की स्टेटमेंट चेक की तो जब 3 महीने की कितनी आपने सैलरी रिसीव की, कितने उसमें से विड्रा किए, कितने आपने ट्रांसफ़र किए, रिचार्ज किए, ये वो सारे उसमें सब आ गए, उसमें 40 दरहम शार्ट थे, शार्ट नहीं थे लेकिन 40 दरहम की ऐसी ट्रांजेक्शन, 3 ट्रांजेक्शन हुई थी, एक 35 की, दो एक एक दरहम की, एक पता नहीं कई 2.5 दरहम की, इतने की अली एक्सप्रेस को ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुई इधर से, वो मैंने की नहीं है। उनको मैंने कॉल मैसेज किया कि रिप्लाई किया मेल के मैं ये नहीं ट्रांजेक्शन की, फिर उनके उनकी मुझे कॉल आई कि ये आप खुद ही केस करो इनका क्योंकि ये इधर शो हो रही है, ये शो कर रही है कि आपने ट्रांजेक्शन की है, अगर आपने नहीं की तो अली एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाओ उधर से कस्टमर सर्विस का नंबर या मेल लो उधर मेल करो कि ये मैंने ट्रांजेक्शन ही की है, ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट से हुई है तो मेरे ये पैसे वापस करो।
खैर मैंने तो उधर बहुत ढूंढा लेकिन उनका कोई ईमेल कोई कस्टमर सर्विस कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जो वापस आ गए वही बहुत हैं। तकरीबन 1750 दरहम मेरे वापस आ गए थे, 1 महीना इसका टाइम लगा था। तो मेरी नसीहत आपको ये है, एडवाइस ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपके साथ हो जाए ये वाला काम, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो फिर ये करना है कि आपने अगर आपके पास ऐप है तो अकाउंट आपने ब्लॉक करना है, और जितना जल्दी हो सके कस्टमर सर्विस बैंक के कस्टमर सर्विस को कॉल करके अकाउंट ब्लॉक करके कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराएं। तो उसके बाद इनके मेल चल करते रहे, प्रोसेस चलता रहता है। तकरीबन 45 दिन वो टाइम देते हैं मिनिमम, लेकिन मेरा 1 महीने के अंदर अंदर पैसे वापस आ गए थे। तो आप भी आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया जिन्होंने लोगों ने भाइयों ने दुआ दुआ की। उम्मीद है भाइयों कि आपको तमाम प्रोसेस पता लग गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर नहीं पता लगा तो मेरा आपके पास कांटेक्ट नंबर होगा, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आपने सपोर्ट किया मुझे, जजाकअल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैसे वापस आ गए। के साथ इजाजत चाहता हूँ और इंशाल्लाह अगली वीडियो को इंटरटेनमेंट वाली साथ लेके आऊंगा। ये वाली तो पिछला तो आपको पता है 1 महीना थोड़ा सा उदासी में गुजरा है, लेकिन एक दो वीडियो लेके आया था। तो अगले महीने में इंशाल्लाह आपको कुछ मिलेगा, कोई ऐसा मजाक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, खुदा हाफिज।